सर, मुझे एक बार जानकारी दीजिए कि बाबा साहब ने तो वैसे बहुत कुछ किया है कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा साहब ने जो लास्ट में बौद्ध धर्म को धम्म को अपनाया है उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए सर। क्या है ये सर, क्या है, और ये सर क्या है सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए देखो, सर। हर इंसान के अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है कि बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन लेकिन वो बहुत ग्रेट है, औरतों को हक लेकर दिया। सारी स्टेटों में हमारे पे अलग अलग कानून थे, जैसे पंजाब में हम 20 फीट बाई 30 फीट से ज़्यादा ज़मीन पे घर नहीं बना सकते थे, एग्रीकल्चर लैंड तो हम ले ही नहीं सकते थे। तो आज बाबा साहब की बदौलत गांव में मैं लैंडलॉर्ड हूँ। तो बाबा साहब ने बहुत से काम किए हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने क्या किया है, तो मैं ये कहूँगा बाबा साहब ने जो मेरे बुजुर्गों का हमारा ओरिजिनल बौद्ध धर्म दिया है, बाबा साहब का सबसे बड़ा उपकार जो है मेरे ऊपर, मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे ऊपर बाबा साहब का सबसे बड़ा वो उपकार है। अब देखो, हमारे पास एक हिस्ट्री के तौर पे हमें निचली जातों का नाम लिख पुकारा जाता था। अब बाबा साहब ने हमें 26 बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रियों का भाईवाल बना दिया है। वहाँ एक जाति की दूसरी जाति हमें बसबाजी नहीं बैठनी जाती थी। तो कितना बड़ा है जो बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा ईसाई धर्म है, मुस्लिम इस्लाम है, फिर बुद्धिज्म है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर हम चाइना की पॉपुलेशन को 50% बुद्धिस्ट मान लें तो बुद्धिज्म दुनिया का सबसे बड़ा बन जाता है। और क्योंकि वहाँ कम्युनिज्म आने से पहले चाइना में 85% लोग बुद्धिस्ट थे, लेकिन हम फॉर आर्ग्यूमेंट से 50% को ही मान लेते हैं। तो बाबा साहब ने मुझे दुनिया के बड़े धर्म में जो 65 देशों में है लेकिन 26 देशों में मेजोरिटी है, उसका मुझे भाईवाल बना दिया। मैं तो माला माल हो गया। हम पहले इस तरफ से मैं कंगाल था। अब देखो यहाँ पे बोधि वृक्ष पड़ा है, ये एक बहुत वृक्ष इंडिया से आए थे, तो हम वो लाए थे, हमने यहाँ रखा है। क्योंकि जैसे ये नाखून और मांस का रिश्ता है, बुद्धिज्म और बाबा साहब का इसी तरह रिश्ता है बुद्धिज्म के साथ। बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने उसको ज्ञान हम बुद्ध तक प्राप्त हुआ था। तो जैसे हम ये देखते हैं, ये हमारे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, सबसे पहले अभिधम्म पिटक लिखा गया था। ये त्रिपिटक है, त्रि का मतलब तीन, पिटक का मतलब टोकरे। उस वक्त ये पेपर नहीं होता था, तो जो नारियल के पत्ते हैं उनके सुई से उस पर लिखा जाता था। तो जब अभिधम्म लिखा गया, जो उस वक्त बड़े से बड़ा टोकरा होता था वो भर गया। तो जब दूसरा विनय पिटक लिखा तो एक टोकरा भर गया। जब तीसरा सुत्त पिटक लिखा, तीसरा भर गया, तो इसलिए इनको त्रिपिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये पूरे का पूरा सेट यहाँ पे पड़ा है। और भगवान बुद्ध भी यहाँ है। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो जो इंडिया इंडिया का नेशनल एम्बलम है, अशोक के चार शेर, वो भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो बाबा साहब ने, मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब अगर बौद्ध धर्म ना अपनाते, हर भारतवासी को बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। जरा सोचो, अगर बाबा साहब ईसाई बन जाते, सर। तो अगर बाबा साहब ईसाई बन जाते तो अंग्रेज वहां से कभी नहीं आते, उनकी मेजोरिटी बन जाती। अगर बाबा साहब इस्लाम धर्म को अपना लेते तो जो पाकिस्तान आज बना है उससे भी छोटा जो हिंदुओं का हिंदुस्तान बनता, इतना बड़ा वहां पे पाकिस्तान बन जाता। लेकिन बाबा साहब ने किसी भी फॉरेन धर्म को नहीं अपनाया। लोग कहते हैं बाबा साहब ने 21 साल स्टडी करने के बाद, मैं कहता हूँ कि बाबा साहब ने 50 साल स्टडी करने के बाद, क्यों, जब बाबा साहब ने मैट्रिक पास की तो उनके एक टीचर ने उनको भगवान बुद्ध की जीवनी पे किताब दी थी। तभी से बाबा साहब के दिमाग में बौद्ध धर्म का बीज जो बोया गया था, जो जब उन्होंने डिक्लेयर किया 1935 में कि मैं हिंदू पैदा हो गया हूँ, तब नहीं, उससे पहले ही उनके दिमाग में बौद्ध धर्म का जो बीज था वो बोया गया था। जब महाड़ के तालाब से बाबा साहब वापस आ रहे थे, क्या 1927 की बात है, तो एक बुद्धिस्ट खंडरात को देखने गए। तो मेरे जैसा अनपढ़ आदमी जो एक बना हुआ था तो उस पर बैठने लगा। तो बाबा साहब ने उसको कहा कि यहाँ पर मत बैठना, यहाँ पर जो अर्हत भिक्षु हैं उनकी अस्थियों को रखकर यहाँ पे स्तूपा बनाया गया था। अब समय के लिहाज से वो टूट गया है। तो 1927 में बाबा साहब को इतनी बुद्धिज्म की नॉलेज थी कि ये स्तूपा नहीं है, ये एक बैठने के लिए नहीं है, ये एक बहुत पवित्र जगह है। चैत्य तो बाबा साहब की बहुत डीप स्टडी के बाद उन्होंने अपने हमारे बुजुर्गों का धर्म दिया है, बहुत धर्म दिया है।